हम कक्षा सातवीं गणित विषय है प्रश्नावली 10.5 त्रिभुजों की रचना करेंगे। तो अब हम समकोण त्रिभुजों की रचना करेंगे इस एक्सरसाइज में, जिसमें हमें भुजाएं दी होंगी या कोण दिया होगा। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है समकोण त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए। कोण क्यू दिया है 90 डिग्री, क्यू आर दिया है 8 सेंटीमीटर, पी आर दिया है 10 सेंटीमीटर। तो हमने एक रफ आकृति बनाई है, पी क्यू आर त्रिभुज बनाई है वैसे ही पेन के साथ। तो इसमें देखो क्यू आर 8 सेंटीमीटर है, तो हम क्यू आर 8 सेंटीमीटर नीचे ले लेते हैं, क्यू आर 8 सेंटीमीटर। और क्यू कोण दिया है 90 डिग्री, तो क्यू पे हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और यहाँ बिंदु P आएगा, और पी आर 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर पी आर है। तो चलो हम बनाते हैं, रचना करते हैं त्रिभुज की। तो सबसे पहले हम क्या करें, क्यू आर 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो क्यू आर 8 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे देखो 8 सेंटीमीटर भुजा ले लेते हैं क्यू आर, यहाँ से शुरू करते हैं, 8 तक जाती है, तो इसका नाम ले लेते हैं हम क्यू आर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्यू पर 90 डिग्री का कोण बनाना है अब हमने, तो क्यू पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो देखो कैसे बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण सभी को आता है बनाना। तो पहले एक चाप लगाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रकार रखेंगे, एक चाप 60 डिग्री की, दूसरी चाप 120 डिग्री की, और इसी को हम ऐसे करेंगे, और उधर भी प्रकार रखेंगे दूसरे बिंदु पे, एक और चाप लगाएंगे ऐसे, यहाँ पे प्रकार रखेंगे और दूसरी चाप ऐसे लगाते हैं। तो जहां पर दोनों चापें आपस में मिलती हैं तो वहां पे हम रेखा खींचेंगे क्यू से, और इस बिंदु को हम मिला देंगे ऐसे। तो अब हमारे पास ये 90 डिग्री का कोण 90 डिग्री का कोण बन गया। अब यहाँ पे क्यू आर है, तो यहाँ पे पी बिंदु आएगा कहीं पे, तो अब ये कह रहा है पी आर 10 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, पी आर प्रकार खोलेंगे 10 सेंटीमीटर की। तो 10 सेंटीमीटर की प्रकार खोलते हैं हम, यहाँ 10 सेंटीमीटर है और आगे जहां तक भी ये है 0 तक, तो ये 10 सेंटीमीटर की हमने प्रकार खोल ली, 10 सेंटीमीटर की। तो हमने क्या करना, आर पे प्रकार रखनी और यहाँ पे एक चाप लगा देनी 10 सेंटीमीटर की ऐसे। तो ये पी क्यू रेखा को काटती है जहां पे, तो वहां पे बिंदु पी आ जाता है, तो पी को आर से मिला देंगे। तो इस तरह से हमारे पास त्रिभुज पी क्यू आर बन गई, समकोण त्रिभुज है ये, क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री का है और ये 10 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका कर्ण 6 सेंटीमीटर और एक पाद 4 सेंटीमीटर लंबा है। तो पाद का मतलब है एक भुजा दी है इसने 4 सेंटीमीटर, और कर्ण दिया है 6 सेंटीमीटर। तो ये रफ आकृति बनाई है हमने, तो ऐसी ही आकृति अब हम प्रकार पेंसिल से बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर भुजा ले लेंगे एक, यहाँ पे हम 4 सेंटीमीटर भुजा ले लेते हैं, तो ये 4 सेंटीमीटर भुजा हो गई। ए बी इसका नाम लिख लेते हैं, ए बी। अब हम क्या करेंगे, इसका कर्ण दिया है 6 सेंटीमीटर, तो अब हम ए पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे अपनी मर्जी से, प्रकार खोल के हम क्या करेंगे 90 डिग्री का कोण बना देंगे ए बिंदु पर। तो ए बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे अब हम, और यहाँ पे एक चाप रखेंगे और मारेंगे, और दूसरी चाप फिर लगाएंगे 120 की,
और फिर वैसे ही जैसे हमने पीछे किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो 90 डिग्री का कोण हम बना देंगे। ठीक है, अब हम इस बिंदु को ए से मिलाएंगे। और अब ये कहता है कि कर्ण जो है 6 सेंटीमीटर दिया है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण ये होता है, तो ये 6 सेंटीमीटर दिया है, तो हम क्या करेंगे 6 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे और बी पे रखेंगे प्रकार और एक चाप लगा देंगे ऐसे, तो इसको आगे बढ़ा देंगे जहां तक ये मिल जाए चाप से, और ये बिंदु आ गया हमारे पास सी, तो B को C से हम मिला देंगे, तो ABC त्रिभुज हमारे पास ये बन गई है। फिर हमारे पास आगे है समकोण त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जहां ACB 90 डिग्री है और AC 6 सेंटीमीटर है। समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज की रचना करनी है। समद्वि का मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हो, तो हमने एक रफ आकृति बनाई है ये ए बी सी, तो हमने बी सी ए सी 6 सेंटीमीटर ले ली है, या हम 6 सेंटीमीटर ए सी ले लेते हैं नीचे, या हम कोई भी भुजा ऐसे ही ले लेते हैं एक बी सी भुजा, क्योंकि सी पर हमारे पास कोण है ये, तो ए सी बी सी पर 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो हम बी सी भुजा ले लेते हैं। कौन सी भुजा ले लेते हैं? बी सी नीचे ले लेते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ बी और यहाँ सी लिख देते हैं, तो अब सी बिंदु पे हमने 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो सी बिंदु पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ये एक चाप लगाएंगे हम ऐसे, तो फिर इतनी प्रकार खोल के ये चाप, उतनी प्रकार से दूसरी चाप लगाएंगे और एक चाप ऐसे लगा देंगे और दूसरी चाप हम यहाँ से ऐसे लगा देंगे, तो अब हम जहाँ भी ये आपस में चापें मिलती हैं सी से मिलाएंगे हम ऐसे। तो अब हम क्या करें, अब यहाँ पे ए बिंदु आएगा कहीं भी। अब ये कहता है ए सी 6 सेंटीमीटर है, ए सी कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे हम और चाप लगाएंगे यहां से, ये 6 सेंटीमीटर की चाप लगी, और ये समद्वि बाहु त्रिभुज है, कितनी है समद्वि बाहु, तो जितनी भुजा ए सी है उतनी ही भुजा बी सी है, तो बी सी भी हम यहाँ चाप लगा देंगे, तो ये बिंदु B यहां पे आएगा और यहां पे A बिंदु आएगा, तो A और B को मिला देंगे, तो देखो ये समद्विबाहु त्रिभुज ये भी 6 सेंटीमीटर है AC और BC भी 6 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हमने त्रिभुज समकोण त्रिभुज की रचना की है जो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो ये इस एक्सरसाइज में इतने ही प्रश्न थे, तो आपने इस चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको सभी वीडियो मिलती रहें, क्योंकि इसमें चैनल में हम जितने भी एक्सरसाइजेस करेंगे मैथ की और साइंस से संबंधित वीडियो हम इस चैनल में डालते हैं। इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।